हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडिया दौरे पर चल रही न्यूजीलैंड टीम के दूसरे टेस्ट मैच के बारे में। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच आज शुरू हुए दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिसमें शुरुआत करने होते मयंक अग्रवाल और शुभमन गिल के बीच 80 रनों की शानदार साझेदारी हुई, पर उसके बाद न्यूजीलैंड ने 80 रन के स्कोर पर टीम इंडिया को पहला झटका दिया। स्पिनर एजाज पटेल ने ओपनर शुभमन गिल को पवेलियन भेजा। गिल ने 44 रन की पारी खेली, वे 50 से चूक गए। शुभमन का कैच रॉस टेलर ने लिया था, उनकी जगह बल्लेबाजी करने चेतेश्वर पुजारा आए। पुजारा कुछ खास नहीं कर सके और फिर 80 रन पर ही टीम इंडिया ने दूसरा विकेट भी गंवा दिया। लगातार खराब फॉर्म से जूझ रहे चेतेश्वर पुजारा खाता भी नहीं खोल सके, उन्हें एजाज पटेल ने क्लीन बोल्ड कर दिया। पुजारा की जगह कप्तान विराट कोहली बल्लेबाजी के लिए आए। एजाज पटेल ने 80 के स्कोर पर ही टीम इंडिया को तीसरा झटका दिया। उन्होंने एक ही ओवर में पुजारा के बाद कप्तान विराट कोहली को भी पवेलियन भेज दिया। कोहली भी खाता खोल नहीं सके। एजाज ने कोहली को LBW किया। लड़खड़ाती भारतीय टीम को संभालने श्रेयस अय्यर क्रीज पर आए, साथ ही मयंक अग्रवाल भी नाबाद 58 रनों की पारी खेल रहे हैं।